हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य भीमसेन जी द्वारा विचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदार्यो दैन धर्मो सुमंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेश्वरी जी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवां नमकार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा अभी इसमें आज शायद खत्म हो जाएगा समोसरण का वर्णन, तो क्या चल रहा था उसमें, जो गणधर आचार्य हैं वरदत्त मुनिराज जो थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे जीवों के बारे में संसार के बारे में, तो ऑलमोस्ट अपन ये देख सकते हैं कि पूरा तत्वार सूत्र जी यहाँ पर बता दिया गया। ठीक, अभी हमारा जो यहाँ पर करंट टॉपिक है वो है कर्मों के बारे में, कर्मों की प्रकृतियों के बारे में बताया, स्थिति के बारे में बताया, अनुभाग बताया, और अब जो बताएंगे वो है प्रदेश। ठीक है, प्रदेश क्या कहेंगे, प्रदेश होता है बेसिकली कर्म, जगह कितना लेंगे, है ना, वो भी तो एक चीज है ना, कितने सारे कर्म बनेंगे, नंबर ऑफ कर्म, है ना, तो वो एक तरह से उनकी स्थिति जो है, कितनी देर तक वो रुकेंगे कर्म हमारी आत्मा के साथ, तो वो है कहलाएगा प्रदेशपन। ठीक, आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ कर्म परमाणुओं का जो बंध है वह प्रदेश बंध कहलाता है। तो अभी यहाँ तक की बात तो हमें सबको क्लियर हो चुकी है कि कर्म जो है वो आत्मा के साथ बंधते हैं, इस तरीके से बंधते हैं जैसे दूध में पानी, मतलब कि एकदम से कोई ये नहीं कह सकता कि ये आत्मा है कि ये कर्म है, इतना इंटरमिगल होकर रहते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी आत्मा के प्रदेशों पर अनंत अनंत कर्म परमाणु स्थित होते हैं, ये भी एक थोड़ी जानकारी की बात है। ठीक, तो क्या कहा, आत्मा के समस्त प्रदेश, समस्त प्रदेश मतलब आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है, ठीक है ना, असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश है उसमें, तो उसके ईच एंड एवरी परमाणु प्रदेश पर कर्म परमाणु बंधते हैं। ठीक है ना, और वो कर्म परमाणु कहीं बाहर से आते हो ऐसा भी नहीं, ठीक है, तो वो जो बंधते हैं वो आत्मा के ही अपने ही पास इसी क्षेत्र के परमाणु होते हैं। ठीक है, इस प्रदेश बंध की संतति में, मतलब कि इस प्रदेश बंध के जो चर्चा चल रही है इसमें अनंतानंत प्रदेशों से युक्त, मतलब कि जो परमाणु है वो कितने, जैसे आत्मा का क्या बोला, आत्मा को बोला असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है, तो उसको वर्ड यूज किया असंख्यात, लेकिन परमाणु के लिए या कर्म पुद्गलों के लिए क्या वर्ड यूज किया, अनंतानंत। ठीक है, क्योंकि आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल कर्म पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस प्रदेश बंध की संतति में अनंत अनंत प्रदेशों से युक्त घनांगुल के असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्र में अवगाढ़। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में घनांगुल का असंख्यात, अंगुल अंगुली सबको समझ में आती है, उंगली, राइट, घन अंगुल है उसका 3D, ठीक है, तो उसका जो उंगली है बेसिकली उसका भी असंख्यातवां भाग, तो बहुत टीनी टाइनी प्रमाण क्षेत्र जो है उसमें भी अनंतानंत प्रदेश होते हैं कर्म के, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आत्मा क्या है, एक छोटा सा शरीर हो, कीड़े का छोटा सा शरीर हो, उसमें भी वही आत्मा है और हमारे शरीर में भी वही आत्मा है, और हजार योजन वाला जो मत्स्य है उसमें भी वही आत्मा है ना, आत्मा तो सब में सेम है, उसमें संकोच विस्तार की पॉसिबिलिटी है लेकिन सेम साइज वाली आत्मा है, ठीक है ना,
अलग बात है कि जिस शरीर में जाती है वैसा आकार ले लेती है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि छोटे से छोटे जो साइज वाले एरिया है उसमें भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं। कैसे? एक दो तीन आदि संख्यात समयों की स्थिति वाले, ठीक है। तो उसमें जो कर्म पुद्गल हैं उनकी संख्यात समय, मतलब कि हो सकता है कोई कर्म पुद्गल अभी अगले ही समय में उदय में आने वाला हो सकता है कोई 2 समय में, 3 समय में, कोई 70 कोड़ा कोड़ी सा अगर समय तक टिका रहे, है ना। तो वो कहाँ बंधेंगे? वो इतने 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जो कर्म है वो सब आत्म प्रदेशों पर ही रहते हैं। जैसे ही हमारे मन वचन काय की क्रिया रहती है वैसे ही उनमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। और फिर वो अपने समय के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें आत्मा के प्रदेश या उसकी स्थिति के बारे में समझना चाहिए। कर्म रूप पुद्गल आत्मा के समस्त प्रदेशों में सदा विद्यमान रहते हैं। तो ये भी समझने की चीज है कि आत्मा के समस्त प्रदेशों में, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैर में तो है सिर में नहीं है, ज्ञानावरणीकरण सिर में तो है लेकिन पैर में नहीं है, ऐसा नहीं। जितनी भी प्रकृतियां हैं कर्म की एक साथ पूरे आत्म प्रदेशों में विद्यमान रहती हैं और हमेशा रहती हैं जब तक कि उनकी निर्जरा ना हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी स्थिति बंध के बारे में बताई। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? मेरे को पूछना है हाँ कि जी जो हमारी हमारी उम्र होती है तो कभी जी कभी शरीर में जो प्रॉब्लम होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? कहीं का क्या है कि मेमोरी जाती है, कहीं को पार्किंसन होता है, कुछ ना कुछ होता है ना, तो उस टाइम जी पे जी जी क्या होता होगा? असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है, ये वृद्धावस्था के समय पर ज्यादा है। तो मेमोरी पावर है वो खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता है, कम हो जाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का जो क्षोभ है वो रिड्यूस हो जाता अच्छा है, ठीक है ना। सब कर्मों का खेल चलता है, राइट। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ कम हो जाएगा तो याद कम रहने लगे, ठीक है। और अगर तकलीफ है कोई भी याद करने में, जैसे शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ये असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा अच्छा है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त कर्म बंध दो तरीके का है। क्या है? पुण्य बंध और पाप बंध के भेद से दो प्रकार का है, ठीक है। हम सब जानते हैं बात चीज, तो अपने बचपन से हमें सिखा दी गई है पुण्य करो पाप से बचो, है ना। पाप नहीं करो इसको मारा तो पाप लगेगा, बहुत छोटे से अपने सब कॉन्शियस में ये बात चली जाती है कि पुण्य और पाप कुछ होता है। तो वो क्या होता है? बेसिकली कर्म का बंध ही होता है, ठीक है। कुछ प्रकृतियां जो होती हैं कर्म की वो पुण्य बांध वाली होती हैं और कुछ पाप फल देने वाली होती हैं। पूर्णिमा जी अपने हाथ रेख के। जी मैं को एक बार फिर से नहीं, एक प्रदेश की जो संतति अनंत, संतति में अनंत अनंत विश्व युक्त, ये क्या, ये मतलब मेरे को क्लियर नहीं लग रहा है। ऊपर समझ में आ अच्छा, गया, कर्म परमाणु होते हैं अपने आत्मा में, हाँ, कर्म रूप ये जो सिर्फ ये पुद्गल। बताना चाह रहे हैं कि छोटे से छोटा जो एरिया है, ठीक है, घनांगुल के असंख्यात संख्य भाग प्रमाण क्षेत्र, प्रमाण क्षेत्र मतलब एरिया, है ना, ठीक है। तो कितना छोटा एरिया? घनांगुल मतलब एक उंगली के असंख्य भाग, ठीक है, का हाँ, असंख्यातवां भाग। तो बहुत छोटा प्रदेश में भी अनंतानंत प्रदेशों सहित कर्म पुद्गल होते हैं, मतलब ये बात समझ। वही सेम कर्म पुद्गल वही में ना, सेम मतलब कर्म, हाँ यस बस वही वही प्रकार। चलो यस ठीक यस, यही कर्म पुद्गल होते हैं और उनके साथ उनकी स्थिति भी रहती है। ये एक समय में उदय में आएगा, ये 2 समय, इस तरीके से उनकी स्थिति भी उनमें चार्ज रहती है। तो बहुत ही, और ये करता कौन है? कोई बैठ के करता है क्या? नहीं, अपने आप उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जिनने अपना फल दे दिया वो निर्जरित हो गए, खत्म हो गए, उनका चार्ज खत्म, है ना। और फिर जिनमें हमने अभी बांधे उनमें चार्ज रहेगा, वो कब उदय में आएंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक है। और वो इतने सूक्ष्म है आप समझ भी नहीं सकते कि एक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म पुद्गल बैठे हैं,
ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी साइंस कह लो इसके पीछे, जो आज के वैज्ञानिक कभी नहीं पहुंच पाएंगे इस तक। सपना अपने हाथ रेस किया। हाँ, आवाज आ रही है आपको? यस यस नाउ यस। जैसे अभी अभी आपने बोला कि ज्ञानवर्णी गर्भ एक एज पर आकर उसकी कम हो जाती है प्रकृति, राइट? तो हाँ ये क्या एज के हिसाब से कर्म भी बढ़ते चढ़ते रहते हैं? हाँ देखो, ऐसा नहीं कहा कि घटती ही है सबकी, घटेगी ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये डिपेंड करता है हमने कितना उस ब्रेन को एक्टिव रखा हुआ है ना। और कुछ होता है कि एज के साथ हमारी जो सेंसेस है इवन वो भी वीक होती जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वृद्धावस्था की कुछ ये कह लीजिए मतलब नेसेसिटीज है कि ये होता ही है सबके साथ, ठीक है ना। मेमोरी पावर का रिड्यूस होना, आंखों से दिखना कम हो जाना, कानों से सुनना कम हो जाना, शरीर का यूसेज कम हो जाना, चलने फिरने में दिक्कत हो जाना, तो ये सारे जो है वृद्धावस्था के दुख है। इसीलिए हमेशा जब भी दुख का नाम लिया जाता है तो जन्म, जरा और मृत्यु। तो जरा क्या है? वृद्धावस्था को जरा कहते हैं, ठीक है ना। जर्जर हो जाता है ना शरीर जरा, तो आप समझिए कि वाकई में सबसे बड़ा दुख जो होता है वृद्धावस्था का होता है, ठीक है। जन्म में भी दुख पाते हैं हम, जन्म इजी नहीं होता। वो जो गर्भ में से निकलता है बालक और गर्भ में 9 मंथ रहता है सिकुड़ सिकुड़ के और गंदगी में, इट इज नॉट इजी जॉब, ठीक है। भले ही वो हमें याद नहीं रहता, इसलिए अपने को कभी लगता ही नहीं कि जन्म कभी बुरी चीज है, ठीक है ना। और मरण तो है ही है बुरा, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये वृद्धावस्था में होता है। बट थिंग इज लाइक कर्म तो कर्म है, राइट? जैसे हाँ अगर हम जो सोच रहे हैं उसके बेस पे हमारा कर्म उदय हो रहा है, तो जब कर्म हमारे परिणामों से बनता है तो वृद्धावस्था में, और चाहे हम यंग हो चाहे हम छोटे हो, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे परिणामों से हो रहा है तो वृद्धावस्था में भी हमारे परिणाम हम अपने और सुधार लेंगे, राइट? बाय द टाइम थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो हम सुधार लेंगे, तो फिर वो कर्म वैसे ही रहने चाहिए ना, चाहे इसमें मतलब थोड़ी सी थोड़ा आपको ऐसा मुझे करेक्शन, लगता है। समझ आ गए, थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इसमें कि परिणामों से बंधता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन परिणामों से बंधने के बाद वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर उदय में आता है, ठीक है। तो जो वृद्धावस्था के दुख आने हैं वो यूथ में नहीं आते। ठीक है, द्रव्य जब बूढ़ा होगा ना, अपना शरीर बूढ़ा होगा, तब जाके वो कर्म उदय में आएंगे, ठीक है। जो दुख हमें वृद्धावस्था में आने हैं वो उसी टाइम आएंगे, यंग में नहीं आएंगे वो। तभी इसलिए मोस्टली यंग में सब एक्टिव रहते हैं, है ना, मजे करते हैं। और जिनको ये रियलाइज हो जाए कि वृद्धावस्था में दुख नहीं उठाना, तो वो यूथ अवस्था में भी अपनी लाइफ को संभाले रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें उसका इफेक्ट कम करना है, वो सिर्फ इफेक्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको ये मान ले कि वो होगा ही नहीं, कर्म उदय में आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। उदय में तो आएगा, लेकिन ज्यादा कम वो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। तो किसी किसी वृद्ध को हम देखते हैं बहुत तकलीफ उठा रहे होते हैं, और कोई कोई का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है ना। तो ऐसा नहीं कि सबको एक ही बकेट में रख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ देख यजनी चारू, जैसे कि तुमने के। अभी बताया कर्मों का, वो तो ठीक है कि बुढ़ापे में उस हिसाब से मिलते हैं, जी लेकिन कर्म तो अपने पाप पुण्य के हिसाब से भी पिछले जन्म के भोगने पड़ते हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या तो उसी होता हिसाब है ना, से हमें हर उसमें मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। मनुष्य भाव में क्या रहता है, मनुष्य में जो है हम यूथ में कम और बुढ़ापे में ज्यादा, इसीलिए जन्म जरा मृत्यु, है ना। हम जब अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना। क्योंकि बुढ़ापा का ये फैक्ट है,
है ना। आपने गौतम बुद्ध की वो कहानी भी सुनी होगी ना, जिसमें वो उनको पालकी में ले जा रहे हैं और कोई वृद्ध दिखाई दे गया, अच्छा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। तो उन्होंने कभी बूढ़ा देखा ही नहीं था। तो बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी कह सकते हैं, एक दुख कह सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, राइट। वो तो ये कि बहुत ये मुझे लगता है कि म्यूचुअल भी फर्क पड़ता होगा। जैसे कुछ लोगों को तो बुढ़ापे में बहुत सफर करना पड़ता है हाँ और जी, कुछ लोगों बिल्कुल को इतना ज्यादा नहीं सफर करना पड़ता, तो कर्मों के हिसाब से चलता होगा ये भी बिल्कुल, सब। यही बिल्कुल यही तो है ना। कि हमें, अगर हम पुण्य कमाएंगे, ठीक है, जीवन भर अगर हम पुण्य कमाएंगे तो हमारा मरण भी उत्तम होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। जितना हम शांत परिणामों से जीवन बिताएंगे तो हमें मरण अवस्था में, वृद्धावस्था में भी शांत परिणाम रख सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि बूढ़े जो होते हैं वो बच्चे जैसे बन जाते हैं, क्रैंकी ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, राइट। तो वो शांत बड़प्पन कैसे आप रख पाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ वो उस तरीके से अपने आप को संभाले रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कर्म बंध तो होता है। हाँ सुधा जी, आपने अदृश्य किया। जय जिनेंद्र, मैं बोल रही हूँ कि ये वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, तो दोनों कर्म सेम लग जाता है। हाँ, मानसिक कहिए शारीरिक कहिए, असाता कर्म तो दोनों इफेक्ट देता है, दुख हमें दोनों तरह के दुख देता है। तो दोनों कर्म लग जाता है, राइट। थैंक हाँ, यू। दोनों नहीं सेम ऐसा लग। मत, हाँ ये नहीं मानिए कि मतलब जो हम कि मानसिक ज्यादा है या शारीरिक कम है, दुख तो दुख है, ठीक है ना। किसी को मानसिक ज्यादा, किसी को बहुत वैरायटी है ना। जिसने जैसे कर्म बांधे, जिस जिस फील्ड के लिए बांधे, किसी ने किसी को किस तरह का दुख दिया हुआ है पहले भव में, या कैसे भी हमने किस तरह के कर्म बांधे, उसी हिसाब से हमें इस भव में उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है, ठीक है। हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपने आज के परिणाम संभाल के। परिणाम संभाल नहीं सकते तो क्या करें। परिणाम तो संभालने ही पड़ेंगे, वो ही तो हमारा एक्चुअली। आप नोटिस करिए कि हमारा जो लाइफ है, हमें जो मिली है, ठीक है, हमारी लाइफ में ईच एंड एवरी एक्टिविटी जब होती है ना, कोई भी घटना घटती है, आप ये देखिए, एक एक कांस्टेंट पुरुषार्थ है। हमें लगता है कि ये ना होता तो अच्छा था, ये फिर मैं शांति से रह पाता, ये होता तो अच्छा था, ये कर पाता, ये कर पाता, ऐसे ना कह के अगर हम जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, रेजिस्टेंस को खत्म कर दें, तो भी हम अपने लाइफ का जो पर्पस है उसको अचीव कर सकते हैं। या बट ये क्या होता है कि वृद्धावस्था में और एंड और होता ही है। आई एम श्योर, मतलब आप देखिए, हमें तो देखकर ही लग रहा है कि वृद्धावस्था बहुत कठिन चीज है ना। और सबका वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाए, और मतलब मुझे नहीं मालूम, अभी हम लोग कह तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन मुझे खुद का नहीं मालूम कि मेरा मेरे परिणाम कैसे रहेंगे आगे चल के, राइट। तो अपना एटमोसफियर वैसा ही बना के रखना है, नियम वगैरह जितनी भी पॉसिबल हो सके, ताकि मन इधर उधर भटके ही ना, है ना। या ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनके थोड़े शांत भाव हो, है ना, ताकि आपके उठे हुए आवेश को वो कम कर सके। बस इतना ही कर सकते हैं अपन, है ना। तभी तीर्थ धर्म को बढ़ा देते हैं वृद्धावस्था में, क्योंकि फिर मन शांत रहता है, दैट इज ऑल, है ना। जितना हम सोसाइटी में लोगों से मिलेंगे, करेंगे, देखेंगे चीजें, उतने ही मन में ज्यादा विकल्प उठ सकते हैं, है ना। इसलिए अपने संकल्प विकल्प को कम करने के लिए धर्म ध्यान में लगाना बेटर रहता है थैंक ना। यू तो सो शांत रहना इजी होगा। मच। इतना मैं अज्यूम कर रही हूँ, देखिए सुधा जी, मुझे खुद भी इस चीज का थोड़ा सा है कि हाँ, वृद्धावस्था वाकई में बहुत खराब चीज है, और बहुत पुण्य इकट्ठा करना है। जितना मिल जाए टाइम, उसमें इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि वृद्धावस्था, जिनको हमने देखा है, लेट से समाधि मरण जिन्होंने किया है, ठीक है ना, उनकी इतनी अनुमोदना करो डेली की, कि बस आपको वैसा एक एटमोसफियर मिल जाए।
ओके ओके या ठीक है ना, जिनका भी बुढ़ापा अच्छा जा रहा है ना, आप उनके बारे में डेली सोचिए, उनका मन ही मन अनुमोदना करिए, और हो सके तो जय जिनेंद्र बोलिए। राइट राइट ठीक है, बस इतना ही कर ओके सकते हैं अपन। ओके 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 थैंक यू सो मच एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, तो ये जो कर्म बंध है जिसके बारे में हमने ऊपर समझा, कर्म प्रकृतियां समझी, फिर उनकी स्थिति अनुभाग समझा, तो ये दो तरह के हैं, पुण्य भी है कुछ प्रकृतियां और कुछ पाप प्रकृतियां भी है, राइट। तो शुभ आयु, जैसे कि मनुष्य आयु, देव आयु, इवन तिर्यंच को भी शुभ में लिया है और नरक को पाप में लिया है, पाप आयु है ना। तो जो कुछ शुभ प्रकृतियां रहती है और कुछ पाप रूप रहती है, जैसी बनेगी वैसा फल देगी। ठीक है, शुभ नाम, शुभ गोत्र और सदवेद से, सदवेद मतलब साता वेद नियम, ये चार पुण्य बंध के भेद है, और शेष कर्म पाप बंध रूप है। मतलब इवन ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, ये सब क्या है, पाप रूप है ना, ये हमारे गुण को ढक रही है। ठीक है ना, अब बात आती है संवर की, अभी किसकी चल रही थी, आश्रम ये और बंध, सद सद्वैदिक क्या बताया साता वेद नियम, सद्वैदिक अच्छा वेद नियम ठीक की दो दो प्रकृति है ना, साता और असाता। तो साता ओके पुण्य है और असाता पाप। ओके ओके थैंक यू ठीक है, अब है, अभी तक जो चर्चा चल रही थी बंध की थी, अब संवर। संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना। ठीक है, अब कर्म हमारे जो आत्म प्रदेश है उनमें और नहीं आएंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आश्रम। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, वो नाव का एग्जाम्पल जिसमें कि एक नाविक को नाव दे दी गई है, लकड़ी की नाव है, उसको क्रॉस करना है, राइट, रिवर क्रॉस करनी है, और उस रिवर में एक छेद है। ठीक है, उस छेद से पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, तो नाविक तो हो गया सोल, नाव हो गई शरीर, राइट, उस शरीर के थ्रू कर्म अंदर आते हैं, राइट। तो नाव में छेद होने से पानी अंदर आने लगा, पानी क्या है, कर्म। ठीक, अब वो नहीं चाहता अगर कि कर्म मतलब मेरी नाव डूबे, है ना, तो क्या करेगा, पानी निकालेगा, निकालता जाएगा निकालता जाएगा, लेकिन छेद में से आ रहा है बार बार। ठीक है, तो कितनी मेहनत करेगा, करता ही चला जाएगा, लेकिन उसकी नाव क्रॉस नहीं होगी। उसे क्या करना होगा, उसे उस छेद को बंद करना होगा पहले, और फिर जो रुका हुआ पानी है नाव में, जो ऑलरेडी आ चुका है, उसको बाहर फेंक कर वो अपनी नाव को खाली करके रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो ये सात तत्वों को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। ठीक, तो आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है। ठीक है, आश्रव किसका मतलब, कर्म वर्गणाओं का रुक जाना। ठीक, यह भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से दो प्रकार का है। भाव संवर कैसे, कि संसार की कारणभूत क्रियाओं का रुक जाना भाव संवर, मतलब कि जिन चीजों से या जिन विचारों से कर्म आते थे, है ना, मन वचन काय की क्रिया से हमारे योगों में स्पंदन होता है, मन मने योग कर्म योग और वचन योग से स्पंदन होता था, राइट। अब अगर हम ना विचारें कुछ, शांत बैठ जाए, है ना, तो हम रोक सकते हैं ना उन कर्मों को, जो पहले हम जो सोच विचार कर रहे थे और कर्म आ रहे थे, लेट से हमने सोच विचार बंद कर दिया, बिल्कुल शांत बैठ गए बिना कुछ, निर्विकल्प अवस्था में। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि हमने उस समय पर अब कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा है ना, तो कर्मों का आश्रव हमने रोक दिया। ठीक है, तो ये क्या करे, संसार की कारणभूत क्रियाओं का रुक जाना, जिन कारणों से जिन क्रियाओं से संसार बढ़ता था, अब हमने उसको रोक दिया। ठीक, ये तो हो गया भाव संवर, परिणाम हमने बदल लिए। द्रव्य संवर कैसे, द्रव्य संवर मतलब कर्म रूप जो वर्गणाएं थी, है ना, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल, द्रव्य का मतलब यहाँ पर फिजिकल, राइट। तो जो कर्म वर्गणाएं थी, पुद्गल वर्गणाएं थी, अब उनका भी ग्रहण नहीं होगा, तो ये क्या होगा, द्रव्य संवर। ठीक है, संवर के दो प्रकार हो गए, कि हमने वो क्रियाएं भी रोक दी जिससे कि मन वचन काय की क्रिया होके आश्रय होता था, तो अब संवर हो गया उनका, रुक गया वो आना, और
एक्चुअल में कर्म प्रदेशों का रुक जाना इस द्रव्य संवर, ठीक है। तो इस संवर के जो तरीके बताए हैं वो क्या है, 3 गुप्तियां, 5 समितियां, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 5 चारित्र और 22 परिचय है। ये अपने अवांतर विस्तार से सहित संवर के कारण है। तो आई थिंक ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, तो इसलिए इसको टॉपिक को यहाँ पर अपन नहीं एक्सपेंड करेंगे। लेकिन ये जो कारण है, जो कोई भी वैसे मुनि महाराज के लिए रहता है, चारू याद कुछ भी नहीं है इसमें से शॉर्ट हाँ थोड़ा सा बता देते हो, है ना। में हाँ थोड़ा थोड़ा बता हाँ दो। हाँ हाँ गुप्तियां रहती है, मन मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 3 गुप्तियां रहती है ना। तो मुनि महाराज के ही पॉसिबल है कि मन में कोई विचार ना चले, शरीर से कोई क्रिया ना हो और मन वचन काय की कोई क्रिया ना हो, तो वो 3 गुप्तियां हो गई। फिर अगर विचार कुछ कर भी रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करें, तो वो 5 समितियां हो गई, ठीक। फिर 10 धर्म, जो ये तो मालूम है सभी को, है ना, क्षमा, शौच, सत्य, संयम, जो भी 10 धर्म हम मनाते हैं, है ना, 10 लक्षण पर्व, वो 10 धर्म, राइट। वो अगर है, अगर हम उनको भाते हैं, क्षमा करते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से हम पाप प्रकृतियों का संवर कर रहे हैं। तो हम पुण्य तो फिर भी बांधेंगे, लेकिन एटलीस्ट पाप प्रकृतियां बंद गई, छूट गई। 12 अनुप्रेक्षाएं क्या है, 12 ये तो भावनाएं, 12 भावनाएं हो गई, ठीक है। हाँ, है ना। तो 12 भावनाएं भी संवर में लिया है ना। संवर का मतलब एक तरह से एटलीस्ट इसमें जो पाप प्रकृतियां थी वो नहीं आएंगी, ठीक है। 5 चारित्र जो हमने, अगर आपको ध्यान हो, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात, है ना, वो 5 चारित्र पढ़े थे, तो वह है 5 चारित्र का पालन करना। कोई भी एक चारित्र का पालन भी करो तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, उसका उससे संवर होगा, ठीक है। और 22 परिचय जाए, परिचय जाए क्या होता है, तकलीफ को सहना, जैसे सर्दी गर्मी सहना, उनमें शांत रहना, नाम हो चाहे ना हो, है ना, ठंड लग रही है चाहे नहीं लग रही है, भूख लग रही है, पिपासा मतलब प्यास लग रही है, जमीन पे सोना पड़ रहा है, कोई तुम्हें पुरस्कार नहीं दे रहा है, तुम्हारे कोई यश नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, तकलीफें कहलाती हैं। तो ये 22 परिचय, तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, है ना, तो हमारी लाइफ में भी तो यही सब कुछ चलता रहता है कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हमें कुछ करने का मन करता है हम कर लेते हैं, ना करने मिले तो अगर हम ये डिसाइड कर ले कि हमें ये नहीं करना, है ना, और फिर हमें हमें अगर चॉइस भी दी जाए और फिर भी हम ना करें तो क्या हो जाएगा, संवार, ठीक है। तो शांति के साथ जो भी हमारी घटनाएं घट रही हैं या हमारी लाइफ हम जी रहे हैं, वो अगर हम शांति से तकलीफ को सहते हैं तो वो है संवार है। चारू एक बार प्लीज ये चारित्र बताओगी दोबारा? चारित्र, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात और कौन से, अगर किसी को नहीं ध्यान है ऐसे तो, शॉर्ट में ये अच्छा, बताओ का क्या सामायिक छेदों का सामायिक, स्थापना सामायिक से दो पर, हाँ, पर्याय शुद्धि सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। सूक्ष्म सांप्रदाय, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू मैम। योर वेलकम। तो उमा बहन को सब याद रहते हैं। हाँ, उनकी मेमोरी बहुत हाँ इनको बढ़िया है, समझ आती अच्छे बहुत से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, नहीं, बहुत बहुत नहीं, अनुमोदना बहुत आपके, अच्छा बहुत है भैया, अनुमोदन बढ़िया, आपकी आपकी ऐसी ऐसी कमी कमी नहीं। तो नहीं है, कितनी बार पढ़ लो फिर याद ही नहीं रहता, पता नहीं। इसके इसके हाँ, शॉर्ट में ज्ञान इसमें अपन का क्या कर से शोषण, हमारा ज्ञान का शोषण कम है, उम्र बहन का ज्यादा है, हाँ अच्छा है। बिल्कुल। नहीं, वो मैं उन्होंने बचपन में मेहनत करी, उसका असर हो सकता है उनके सही पास भाई। हाँ सही, अपन ने नहीं करी है। चलिए, थैंक यू। 5 चारित्र, एक चीज जिसमें सबने चारित्र का अपन ऐसे शॉर्ट में बताइए, ऐसे नाम से नहीं ऐसा। हाँ, शॉर्ट में बता रहे हैं, चारित्र क्या है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर इन द सेंस, सामायिक चारित्र है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सामायिक चारित्र में क्या होगा, समता से रहना, ठीक है, सुख आए दुख आए, कैसा भी लाभ हो नहीं हो, भोजन मिले नहीं मिले, है ना, कोई तुम्हें पूछे नहीं पूछे, सब में शांत समता पूर्वक रहना, इस सामायिक चारित्र, ठीक है, जो कि मुनि महाराज हाँ पालन करते हैं, ठीक है। तो ठीक अगर हम ठीक इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, है ना, समता के साथ, तो हम भी आज की डेट में संवर कर सकते हैं, ठीक
है, तो इस वजह से हमें भी सामायिक का एक प्रयोजन दिया गया कि नहीं डेली सामायिक करो 48 मिनट की, तो उतनी देर के लिए एटलीस्ट हम एक मुनि महाराज की तरह से अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ ऐसी प्रैक्टिस हमें भी करनी है। उस समय पर कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, बस शांत बैठे रहना, ठीक है ना। तो ये जी, चारित्रता, थैंक और परिचय यू। जय तो बताया ही है कि सर्दी गर्मी सहना और वो सब, ठीक है। तो ये संबर के कारण है। तत्वाद सूत्र में 9वां अध्याय में है ये सब हाँ कुछ। हाँ बहुत सुंदर, 9th सूत्र में बात है। ये नीचे दिया भी हुआ है, 9th सूत्र है ना, तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 9, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। थैंक यू। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक मुनि के बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा जो समस्त कर्मों का अत्यंत क्षय होता है वह मोक्ष कहलाता है। ठीक है, कर्म कहाँ पर बंधे थे, आत्मा में बंधे थे। कर्म का क्षय कहाँ से हुआ, आत्मा से हुआ। ठीक है, तो आत्मा जैसे ही कर्मों से क्षय होता है, कर्मों से रहित होती है, तो वह उसका स्वभाव है ऊपर जाने का, तो वो सिद्धशिला की ओर इमीडिएटली चली जाती, ठीक है ना, और उसी को अपन मोक्ष कहते हैं। जैसे ही कर्मों से अलग हुई, सभी कर्मों से मुक्त हुई, वो ऊपर चली जाएगी, एक समय में ही वो सिद्धशिला पर पहुंच जाती है। इसलिए मोक्ष को सिद्धशिला से रिप्रेजेंट किया जाता है। अदरवाइज मोक्ष क्या है, एक अवस्था है, आत्मा की शुद्ध अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और ये शुद्ध अवस्था कैसे बन गई, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक मुनि राज के बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा। ठीक है, जिन कारणों से पहले बंद हो रहा था उनको रोक दिया, और जो बंधे थे उनकी निर्जरा कर दी, ठीक है ना। तो समस्त कर्मों का क्षय होने से मोक्ष हो गया। इन जीवादि 7 तत्वों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का साक्षात साधन है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, तीनों को एक साथ बोलना हो तो रत्नत्रय। ठीक है, तो जिनके पास चारित्र है उनके पास रत्नत्रय है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, चतुर्थ गुण स्थान तक। ठीक, उसके ऊपर 5वें से चारित्र शुरू होता है। और इनका श्रद्धान करना, 7 तत्वों का जो हमने अभी पढ़े, 7 तत्व क्या पढ़े थे, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निजरा और मोक्ष। ठीक है, तो ये क्या है, इन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का साक्षात साधन है। परोक्ष से नहीं कह रहे, साक्षात। तो इनको फॉलो करने से हम भी मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष मार्ग में स्थित कितने ही अन्य जीव एक ही भव में सिद्ध हो जाते हैं, और कितने ही भव्य स्वर्ग के सुख भोग कर सदा आत्मा का ध्यान करते हुए 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन लोग करते हैं 7-8 भव में, जो समाधि मरण करते हैं। ठीक है, समाधि मरण करने से हमारा अनंत अनंत काल जो है वो घटकर 7-8 भव रह जाता है। तो इतनी जबरदस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है जब हम समाधि मरण करते हैं। अरु एक चीज पूछूं, ये जैसे जीवादि 7 तत्वों का ये कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम, जी तो अब जैसे 7 तत्वों का हमने श्रद्धान तो कर लिया, ये सब चीजें ठीक हैं, हाँ जी मानते हैं हम इन चीजों को, लेकिन इससे सम्यक दर्शन कैसे चीजें पॉसिबल होंगी, सम्यक चारित्र ज्ञान, हाँ जैसे मानते हम इसके इन चीजों को, सुन के पहले नहीं पता था, इनको सुन के हाँ मानते ये ठीक है, मतलब चीजें पता लगी और पता है, लेकिन इनसे मतलब पता लगने से श्रद्धान पता करने नहीं। से। हाँ, श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जैसे आपके पेरेंट हैं, लेट्स से, है ना, आपके पेरेंट्स को आप जानते हैं, आपने उस पर श्रद्धान भी किया, उन्होंने आपको बताया कि आप मेरे बच्चे हो, राइट, आपने पूरी लाइफ निकाल दी उसी श्रद्धान पर, राइट, तो वो एक श्रद्धान अब आप किसी और को आके कह दे आपको कि आप मेरे बच्चे हो, तो
तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी अपने पेरेंट्स पे विश्वास है, ठीक हाँ, ये तो है ना? बात है। तो ये जो विश्वास है ना, कोई आके कुछ भी कह दे, आप उसको आप नहीं डिनाई करेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट तो कोई और है, ऐसा नहीं कहेंगे, राइट? तो इसी तरह से मोक्ष की प्रेजेंस, मोक्ष पॉसिबल है, और आत्मा शरीर से अलग है, ठीक है? और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कर्मों के बारे में, ये सब होती है, ठीक है? हम कर्म बांधते हैं, कर्म की निर्जरा भी पॉसिबल है, और कर्म से रहित अवस्था भी पॉसिबल है। तो ये सारी एक जर्नी में बिलीव करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम अपने पेरेंट्स में बिलीव करते हैं, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, तब थैंक, जाके वो कहलाता है सम्यक दर्शन। हाँ ठीक है, थैंक यू, ओके। ठीक है? और फिर जब आप बिलीव करेंगे तो आप उस पे वर्क भी करेंगे, बिल्कुल। तो वो सम्यक चारित्र हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार, तो अब खत्म कर दी ये चर्चा जो भी हमने पढ़ी थी। इस प्रकार नेमी जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ निर्मल मोक्ष मार्ग सुनकर 12 सभाओं के लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया। अभी सबको याद होगा ना, समर शरण में 12 कोठे रहते हैं, 12 सभाएं रहती हैं, उसमें देव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, और तिर्यंस रहते हैं, राइट? श्रोताओं में से कितने ही लोगों ने सम्यक दर्शन धारण किया, ठीक है ना? अब इतनी अच्छी अच्छी बातें वहां पे सुनने को मिल रही थी, तो बहुत सबको सम्यक दर्शन हो गया। कितने ही लोगों ने संयमा संयम प्राप्त किया, मतलब कि संयमा संयम मतलब पंचम गुण स्थान, और संसार वास से डरने वाले कितने ही लोगों ने पूर्ण संयम यानी मुनि व्रत स्वीकृत किया, वहीं की वहीं दीक्षा ले ली। उस समय 2,000 राजाओं ने, 2,000 कन्याओं ने एवं हजारों रानियों ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए पूर्ण संयम को प्राप्त किया। शिवा देवी, रोहिणी देवी, देवकी, रुक्मिणी और अन्य देवियों ने श्रावकों का चरित्र स्वीकार किया। ये सब कौन थी? ये देवकी, वसुदेव की पत्नी है ना, रुक्मिणी कृष्ण जी की पत्नी, और ये शिवा देवी जो थी वो उनकी नेमिनाथ भगवान की माता है ना, तो उन्होंने भी श्रावक के व्रत ले लिए। यदुकुल और भोज कुल के श्रेष्ठ राजा तथा अनेक सुकुमारियां जिन मार्ग की ज्ञाता बन 12 अणुव्रतों की धारक हो गई। जो देवों के साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इंद्र तथा बलभद्र और कृष्ण आदि यादव जिनेन्द्र रूपी सूर्य को नमस्कार कर अपने अपने स्थान पर चले गए, ठीक है ना? अब भगवान तो वहीं रहेंगे और लोग अपने अपने घर चले गए। तदनंतर जो समस्त दिशाओं को उज्जवल कर रही थी, मेघों के द्वारा धुले हुए सुंदर आकाश मंडल को जो निर्मल ग्रहों और ताराओं से पुष्पित बना रही थी, एवं जो बंदूक, कमल और सप्तपर्ण के सुगंधित नूतन फूलों की अंजलि छोड़ रही थी, ऐसी शरद ऋतु भक्ति से भरी लोक त्रयी के समान जिनेन्द्र देव के चरणों के समीप आई। बेसिकली ऋतु बदल गई है ना, तो भगवान का समोसरण अब खत्म होने को है। अथानंतर जिस प्रकार पहले संसार समुद्र से प्राणियों को पार करने के लिए भगवान स्वर्ग के अग्रभाग से पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हुए थे, मतलब क्या कि भगवान स्वर्ग के अग्रभाग से, मतलब कि सर्वार्थ सिद्धि से आए थे ना भगवान, लोक पर अवतीर्ण हुए थे यानी अवतरित हुए थे, उसी प्रकार जब विहार के लिए सम्मुख हो गिरनार पर्वत के शिखर के नीचे उतरने के लिए उद्यत हुए, तब कुबेर ने निरंतर यह मनचाही घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचक को जिस वस्तु की इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा अनुसार ले। उस समय कामधेनु के समान इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाली मणिमयी भूमि बनाई गई। तो ठीक ही है, क्योंकि भगवान के मंगलमय विजय विजय उद्योग के समय क्या नहीं किया जाता, अर्थात सब कुछ किया जाता है। जब तक कि भगवान का समस्त भूतों यानी प्राणियों के हित के लिए उद्यम हो रहा था, तब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप 4 महाभूत भी समस्त भूतों यानी प्राणियों का हित कर रहे थे, मतलब कि हर तरह की जो व्यवस्था थी, जमीन थी, जल था, अग्नि थी, वायु थी, ये सब भी प्राणियों के हित में ही कार्य कर रहे थे। तो ठीक ही है,
क्योंकि भगवान की सर्वहितकारिता वैसे ही अनुपम थी। धन की बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतु के मेघ की जलधारा के समान पृथ्वी के वसुंधरा नाम को सार्थकता प्रदान प्राप्त कराती हुई आकाश से मार्ग में पड़ने लगी। तो जैसे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पर कहा है तो ऐसा है ना कि कुबेर ने धन की वर्षा करी। प्रणाम करने से जिनके मस्तक चंचल हो रहे थे तथा जो भगवान की प्रभा और आकार में अनुराग रखते थे, ऐसे देव अपनी कांति से दिशाओं को व्याप्त करते हुए शीघ्र ही प्रकट होने लगे। सर्वप्रथम देवों ने एक ऐसे सहस्त्र दल पवित्र कमल की रचना की जो पूर्व और उत्तर की ओर स्वर्णमय हजार हजार कमलों की दो पंक्तियां धारण करता था, तथा वे पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी रूपी स्त्री के कंठ में पड़ी दो मालाएं ही हैं। ठीक है, तो हजार दल वाले, हजार पंखुड़ी वाले कमलों की रचना करी दो दिशाओं में, पूरब और उत्तर में, ऐसा यहाँ पर बताया है। ठीक है, वह कमल पद्म राग मणियों से निर्मित था, देदीप्यमान नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र विचित्र था, प्रत्येक पत्र पर स्थित लक्ष्मी के भाग से मनोहर था, इंद्र के हजार नेत्र रूपी भ्रमरावली से सेवित था, देव धरणेंद्र और मनुष्य के नेत्र रूपी भ्रमरों के लिए मानव मधुगोष्ठी का स्थान था, लक्ष्मी से सुशोभित था, परम पुण्य रूप था, एक योजन विस्तृत था और उसके चौथाई भाग प्रमाण उसकी करने का डंठल। तो ये थोड़ा सा नया है, पहले कभी देखने में नहीं आया था कि इतने बड़े बड़े कमल वहां पर बनते हैं। तो क्या इतने बड़े बड़े कमल, हजार हजार कमलों की दो पंक्तियां, है ना, जो अपने सुनने में आता है वो तो 225 कमल, और वो भी स्वर्ण कमलों की रचना, है ना, देव करते हैं, इंद्र करता है, तो वैसा सुनने में तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है। यह कमल पद्मयान के नाम से स्थित था। सेवा द्वारा इंद्र को आगे कर आठ वसु उस पद्मयान के आगे आगे चल रहे थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्र की अणिमा महिमा आदि गुण आठ गुण ही मूर्तिधारी हो चल रहे हैं। वे वसु यह कहते हुए भगवान को प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवान, आप जयवंत हो, प्रसन्न होइए, लोक हित के लिए उद्यम करने का आज समय आया है। यथार्थ में वह सब भगवान का महात्मा था। तदनंतर उस पद्मयान पर भगवान जिनेन्द्र आरूढ़ हुए थे और उस पर पृथ्वी हर्ष से झूमती हुई सी जान पड़ती थी। आरूढ़ होना मतलब चढ़ जाना। उस समय मेघों के शब्दों को पराजित करने वाला देवदुंदुभियों का यह प्रयाण कालिक शब्द सुनाई पड़ रहा था कि धर्म चक्र को आगे आगे चलाने वाले ये जगत के स्वामी विजयी भगवान सब जीवों के वैभव के लिए विहार कर रहे हैं। इनके इस विहार से तीन लोक के जीव संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात सबकी संपदा वृद्धिंगत हो और सब अतिवृष्टि आदि इतियों से रहित हो। मतलब यही होता है ना कि भगवान जहां पर हैं वहां पर हर तरह की समृद्धि हो, भाई किसी प्रकार का दुख रोग ना हो। उस समय वीणा बांसुरी मृदंग विशाल झालर शंख और काहल के शब्द से युक्त सुरही का मंगलमय शब्द भी समुद्र की गर्जना को तिरस्कृत कर रहा था। प्रस्थान काल में होने वाला, प्रस्थान काल मतलब निकलना या चलना शुरू करना जहां से होता है, प्रस्थान काल में होने वाला बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्ठहास तथा अन्य कलकल शब्दों से आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर रहा था। मतलब हर तरह की आवाजें वहां पर हो रही थी। आकाश में किन्नरियां मनोहर गान गाती थी, अप्सराएं नृत्य करती थी, झूमते हुए गंधर्व आदि देव तबला बजा रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनों के द्वारा वंदनीय भगवान को नमस्कार करते हुए जय जय की मंगल ध्वनि पूर्वक मंगलमय स्त्रोतों से जहां तहां उनकी स्तुति कर रहे थे। पृथ्वी तल पर भी सब ओर मनुष्य चित्त को हरने वाले नाना प्रकार के दिव्य नृत्य, संगीत और वादित्रों से युक्त हो रहे थे। विभूतियों से सहित लोकपाल समस्त दिक् भागों के साथ सबकी रक्षा कर रहे थे।
ठीक ही है, क्योंकि अपने अपने नियोगों पर अच्छी तरह स्थित रहना ही भृत्यों की स्वामी सेवा है। मतलब क्या कि जो भी देव थे वहां पर सब अपने अपने कार्य कर रहे थे। अगर गंधर्व है तो गाने बजाने का कार्य कर रहे थे, है ना, लोकपाल है तो रक्षा का कार्य कर रहे थे, तो सब अपने अपने तरीके से स्वामी सेवा कर रहे थे। दे दीप्यमान दृष्टि के धारक कितने ही देव समस्त हिंसक जीवों को दूर खदेड़ कर चारों ओर दौड़ रहे थे। उस समय प्रसन्नता से भरा समुद्र रत्न रूप वलयों से सुशोभित ऊपर उठे हुए तरंग रूपी हाथों से अंजलि बांधकर वेला रूपी मस्तक से मानव भगवान के लिए नमस्कार ही कर रहा था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो अब हमारा काफी कम पेजेस बचे हैं, ऑलमोस्ट 75 पेजेस ओनली लेफ्ट, तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक आएगा, आई विल लेट यू नो किस दिन आई एम नॉट अवेलेबल, तो प्लीज आप मैसेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ जयंत तक जी, के किसी को तुम्हारा कोई जयंत। हाँ शिल्पा ब्रेकिंग? शिल्पा, जी, हाँ एक्चुअली मम्मी पापा आए हुए हैं और आपका स्वाध्याय सुन रहे हैं अभी ना। ओ नाइस, थैंक यू, उनको जय बहुत जिनेन टू अच्छा टू डे। लगा, बहुत अच्छा लगा उनको। अरे और वाह, अब पहले वाले जो आपके रिकॉर्डिंग थे वो भी मैं लगा के देखती हूँ, तो वो बोलते ये इंडिया में नहीं आता है क्या? आपकी इंडिया में भी आएगा ना बहुत शो, बहुत थैंक अभिनंदन है, आपकी यू बहुत थैंक यू, अभिनंदन है, आपकी वजह से वो लोग सुन रहे हैं, तो अच्छी बात वेरी है नाइस, सारी थैंक फैमिली यू आपके थैंक यू थैंक यू। पीछे। बहुत ही इस बात की खुशी है मुझे, आपकी फैमिली में इतने अच्छे संस्कार हैं सभी को, उनको भी बहुत बहुत जय अनुमोदन। जितेंद्र, जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत अनुमोदन, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी नाइस, मैं वेरी आपको, नाइस। फिर मुझे लगा आप इंडिया चले जाओगे, फिर आप वो लोग चले जाएंगे बाद में, तो मैंने कहा बात ही नहीं हो अच्छा पाए। जी, हाँ थैंक यू हाँ सर। हाँ थैंक यू चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी जी आंटी, कि मुझे कुछ पहले था कि महेश पंडित जी का आप लोग कोई में से कोई सुनते हो कि उनका प्रवचन आता है महेश पंडित जी का, हाँ जी, किसी के पास उन